हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 की बात हम करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक टेबल हमने बनाया है और इस टेबल में आपको रोल नंबर, डेट और यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट है और क्लास है और यहाँ पर इनकी अटेंडेंस की बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अटेंडेंस सीट तो हम बनाने नहीं जा रहे हैं, तो अभी हम करने क्या वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर नेम से या फिर एक पर्टिकुलर क्लास की बात करें तो एक कंडीशन हम देंगे और उस कंडीशन के बेस पर हम देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड केवल उस कंडीशन के बेस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही हमें देखना है। तो देखिए, इसमें सारे स्टूडेंट जो है क्लास 12th के हैं, तो यहाँ पर मैं चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है क्लास 11th की भी हो जाएंगे, तो यहाँ से इस तरीके से क्लास 11th भी मैं कर देता हूँ। सारे 12th के नहीं रहेंगे, कुछ क्लास 11th भी कर देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि कैसे ये क्राइटेरिया हम सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्लास 11th के भी हो गए हैं, देख सकते हैं आप। अब इसको हम सेव करते हैं और ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। अब यही रिकॉर्ड हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर कुछ और भी चेंजेस कर लेते हैं एक दो। ठीक है, ये 11th हो गया, यहाँ पर चेंज करेंगे ये, लाइक यहाँ पर कर लेते हैं 11th और यहाँ पर भी 11th कर लेते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हमने परफॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर क्राइटेरिया सेट करनी है। क्राइटेरिया कैसे सेट होगा, तो उसके लिए क्वेरी बनानी पड़ेगी हमें। क्वेरी कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपको सीधा सीधा क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है। जैसे ही क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे तो हमारे पास केवल एक ही टेबल है अटेंडेंस शीट वाली, उसी को ले लेंगे हम, यहाँ ऐड करवा लेंगे। सारे ही फील्ड्स हमें चाहिए होंगे, तो सारे ही फील्ड्स ले करके और फिर यहाँ से इसको ड्रैग करवा लेंगे। ठीक है, तो ये ड्रैग करवाया हमने और ड्रैग करवाने के बाद क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि क्लास 11th के सारे स्टूडेंट की डिटेल आए, तो यहाँ पर सिर्फ आप टाइप कर दीजिए 11th। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर जैसे रन करवाएंगे इसको, तो आप देखेंगे कि आपको केवल और केवल क्लास 11th के स्टूडेंट की डिटेल मिल रही है। देख सकते हैं आप, रोल नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग आया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर क्लास 11th के बच्चों की डिटेल ना आए, क्लास 12th के बच्चों की डिटेल आए, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा बस क्लास 12th। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 12th जैसे ही आप टाइप करेंगे और रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि क्राइटेरिया में 11th हट गया है, कहीं भी आपको 11th नहीं दिखाई पड़ेगा, क्लास 12th ही केवल दिखाई पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया लगाने का तरीका है, आप किसी भी तरह की क्राइटेरिया को यहाँ से सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये क्राइटेरिया आपको सेट कैसे करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।